नमस्कार दोस्तों, मैं वो लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं ट्रेवल एपिसोड। देखिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं और लोग पूछते हैं कि अगर हम मनाली जाएं, शिमला जाएं या पहाड़ी वाली जगहों में ऐसी जाएं कहीं पर भी घूमने, तो क्या क्या सावधानियां रखें और क्या क्या चीज़ें साथ में ले जाएं। क्योंकि दिक्कत होती है अगर आप मनाली पहुँच गए, शिमला पहुँच गए या हिमाचल आप घूमने जा रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती है जो आपको ले जाना ही चाहिए जब आप इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। तो वही सारी एक लिस्ट मैं आपको जल्दी से आने वाले 2 से 3 मिनट में बता दूंगा कि आपको इन चीजों के बिना तो जाना ही नहीं है, क्योंकि उनके बिना आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक छोटा बैग, देखिए आप जब भी कोई पैकेज बुक कराएंगे या खुद से भी जा रहे हैं तो आपके पास कार होगी, कार तो आपको करनी ही पड़ेगी लोकल साइट सीन के लिए भी और इधर से उधर जाने के लिए भी, क्योंकि मनाली से अटल टनल जाएंगे, शिशु जाएंगे, रोहतांग जाएंगे, तो कार आपके पास होनी चाहिए। तो कार आप जब भी बुक कराएंगे तो उस कार के अंदर इस बैग को ले जाएं, क्योंकि आप सारा सामान तो लेके जा नहीं सकते, वो तो आपके होटल में रहेगा, लेकिन एक छोटा बैग होगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो आप रख लेंगे। सेकेंड चीज़ है पावर बैंक। देखिए पावर बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप दिल्ली से चंडीगढ़ से बस में आएंगे या फिर आप जब घूमने निकल रहे हैं, आपके पास कार में पावर बैंक खुद का होगा तो उस पावर बैंक को इस बैग में रख लें और आपके पास फिर मोबाइल चार्जिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, तो पावर बैंक जरूर ले जाएं। सेकेंडली अगर पावर बैंक आपके पास नहीं है तो फिर मत खरीदिए, अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं तो कम से कम आप अपना चार्जर, जो केबल होती है ना चार्जर की, वो जरूर साथ में ले जाएं कार में, क्योंकि कार वालों के पास हो सकता है कि सी पिन का चार्जर जो केबल है वो ना हो, या फिर आपके मोबाइल में कोई दूसरा लगता वो ना हो, आईफोन हो वो ना हो, तो कम से कम अपना जो पिन है, अपनी जो केबल है वो ले जाएं चार्जर की, ताकि आप कार में उसे चार्ज कर सकें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आप लेके जाओगे ही, फिर भी मैं आपको बता दूं वूलन्स आप सब ले जाएं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर होती है और आपको वूलन्स लेके जाने ही हैं और अच्छे वूलन्स लेके जाने हैं। आपके साथ में अगर बच्चे हैं तो खासकर बहुत अच्छे वूलन्स आप लेके जाएं, पूरा जो केप वगैरह हैं, इनर वगैरह हैं, मोजे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आप लेके जाएं और ज़्यादा लेके जाएं वुलंस को, क्योंकि वुलंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी और वहाँ पर अगर आप वुलंस लेके नहीं जाएंगे तो फिर आपको वुलंस खरीदने पड़ेंगे। तो फिर ऐसे में कई लोग होते हैं जो परेशान होते हैं कि यार ज़बरदस्ती का ही ये एक खर्चा हो गया, वुलंस हमारे पास पड़े थे, हम ले आते तो शायद यहाँ पर खर्चा करना नहीं पड़ता। चौथी चीज़ सेल्फी स्टिक, अगर आप चाहते हैं आप फोटोज़ वगैरह में ऐसी जगह जाते हैं तो ये तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए ही, तो आप अपने साथ में सेल्फी स्टिक भी लेकर जाएं। और उस सेल्फी स्टिक को मैंने कहा ना आपको कि वो जो बैग है वो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है, और उस बैग के लिए भी खर्चा ना करें, जो भी स्कूल बैग वगैरह अगर आपके घर में जो भी बैग है, लैपटॉप के बैग है या कोई भी बैग है छोटा, वो आप लेके जाएं ताकि उसे कार में लेके जा सके और कार के अंदर उस बैग को रख लें। सेल्फी स्टिक के बाद में शूज़, देखिए शूज़ जो है ना वो आप, मेरे हिसाब से तो जो मैं खुद भी कहीं जाता हूँ घूमने तो यही है कि स्पोर्ट्स शूज़ को ज़्यादा महत्व देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं जब हम कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पूरे दिन आप सुबह जूते पहनोगे, शूज़ पहनोगे, उसके बाद में रात में उन्हें खोलते हो, तो शूज़ में स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हों वो आपके हिसाब से आप अपने साथ में शूज़ रखें। इसके साथ ही साथ में एक और चीज़ बता दूं कि देखिए थोड़ा सा जब हम पहाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, कुछ लोगों को ऐसी जो वॉमिटिंग टाइप की चीज़ें भी होने लगती है, हालांकि ये मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें तो ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप जैसे मेडिकल से या किसी भी डॉक्टर से पूछ के आप उस तरीके की टेबलेट्स ले सकते हैं, ताकि जो मोशन की वजह से लगातार जो कार घूमती है हमारी वहाँ पर पहाड़ों में, तो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी ट्रेवलिंग को बहुत ज़्यादा आसान बनाएं।